ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं प्रदोष के बारे में। प्रदोष रहस्य का एक भाग पहले ही आ चुका है। जिन शिव भक्तों ने पहला भाग नहीं देखा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से प्रदोष की उत्पत्ति हुई थी और प्रदोष काल का समय नेचुरल प्राकृतिक तरीके से आप कैसे देख सकते हैं बिना किसी इक्विपमेंट के, किसी फोन या कैलेंडर के, वो वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। और यहाँ कहीं आई बटन पर आ रहा होगा, वहाँ जा करके पहला भाग आप देख सकते हैं। अब इससे आगे का भाग प्रारंभ करते हैं। इससे आगे का भाग एक रहस्य में बताना भूल गया था। जब देवताओं ने स्तुति की और तब भगवान प्रसन्न हुए थे और उन्होंने नंदी की प्रदोष काल में पूजा का निर्देश भी दिया। इसके बाद प्रसन्न होकर के भगवान ने तांडव किया और वो तांडव ऐसा वैसा तांडव नहीं था, उसको बोलते हैं वृष श्रृंगाग्र तांडव, यानी वृष अर्थात नंदी, श्रृंग अर्थात सींग, अग्र अर्थात आगे। भगवान शिव ने नंदी के दोनों सींगों के मध्य में खड़े होकर के तांडव किया था। ऐसे भगवान और कौन होंगे। इतनी लीलाएं हैं भगवान शिव की कि मेरा जीवन छोटा पड़ने वाला है। और इसमें सभी देवताओं ने अपनी अपनी भूमिका भी निभाई। जैसे नारायण ने मृदंग बजाया, माता लक्ष्मी ने गायन किया था, सरस्वती ने वीणा बजाई थी। इस प्रकार से एक भव्य आयोजन उत्सव हुआ। ऐसा इस संसार की सबसे बड़ी विपत्ति को भी अपने कंठ में धारण करने के बाद भी कोई आनंद से तांडव कर सकता है तो केवल महादेव है। प्रदोष काल की पूजा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और वैसे भी मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया कि संध्या दर्शन के समय शिव, जो संध्या का समय रहता है उसमें शिवलिंग दर्शन का क्या फल होता है, वो सुबह के टाइम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्याम का होता है। मुख्य जो प्रदोष है वो 5 प्रकार से काउंट की जाती है। देखिए ऐसे रहस्य कहीं आपको नहीं प्राप्त होने वाले। पहला है नित्य प्रदोष, जो डेली, जो हर रोज प्रदोष काल होता है वो नित्य प्रदोष कहलाता है। दूसरा है पक्ष प्रदोष, यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, महीने में ये 2 प्रदोष होते हैं जो त्रयोदशी को पड़ती है। इसके बाद है मास प्रदोष। अगर महीने की दृष्टि से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट जो प्रदोष होती है वो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी होती है। इसके बाद है वर्ष प्रदोष, अर्थात साल में एक बार आने वाली प्रदोष, और वो है महाशिवरात्रि से जस्ट पहले वाला दिन, क्योंकि महाशिवरात्रि शिव चतुर्दशी जो रहती है उससे जस्ट पहले त्रयोदशी होती है, वो साल में एक बार ही आती है। इसके बाद है 5वीं युग या प्रलय प्रदोष, जो युग बदलने से जस्ट पहले वाली प्रदोष जो होती है, या फिर प्रलय आने से पहले जो प्रदोष पड़ती है उसे प्रलय प्रदोष या फिर युग प्रदोष के नाम से जाना जाता है। प्रदोष का व्रत बहुत ही शुभ होता है। प्रदोष का व्रत करने से क्या होता है, प्रदोष के व्रत से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और धन संपन्नता आती है, दरिद्रता का नाश होता है। प्रदोष का व्रत करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो प्रदोष के समय प्रदोष स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करें। ये व्रत कितने होते हैं, इसकी विधि क्या होती है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और उद्यापन इसका कैसे करना चाहिए, वो पूरी डिटेल में प्रॉपर तरीके से आपको एक अगले भाग में सेपरेट तरीके से बता दूंगा। किंतु हर एक से वो प्रयास करें कि प्रदोष समय में आप व्रत नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं है। आप प्रदोष काल जो होता है सूर्यास्त के समय, वो मैंने बताया था किस प्रकार से देखा जाता है, उस समय आप शिव की पूजा अवश्य ही करिए। और यदि किसी दिन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को शनिवार पड़ रहा है तो समझ लीजिए यदि आपने उस समय में शिव पूजा कर ली तो आपके भाग्य खुल चुके हैं और शिव की साक्षात कृपा है आपके ऊपर। इसीलिए आप कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के शनिवार को, यदि ये पूरा संयोग एक साथ बैठ रहा है तो बहुत असीम कृपा आप पर होगी, तभी आप शिवलिंग पूजा करने में सक्षम होंगे। अगले भाग में इस व्रत के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे इसका उद्यापन करना चाहिए, कैसे व्रती को क्या क्या नियमों का, किस प्रकार से क्या खाना पीना चाहिए, वो सब हम जानेंगे अगले भाग में। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।